हेलो फ्रेंड्स तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑनटेरियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम पे ओ मैंने देखा कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है जब वो कनाडा आ रहे होते हैं या आ चुके होते हैं एज ए न्यू कमर कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं यानी कि जैसे आप कहते हैं कि एग्जेक्टिव एजुकेशन या यू नो फर्दर एजुकेशन तो उसको हम कैसे प्रसू करें क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू स्टडी इन कैनेडा इट्स एक्सपेंसिव इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑफ टाइम्स दूसरा ये कि जो आप सेविंग्स लेके आए होते हैं अक्सर वो आप सेविंग्स यूज़ कर रहे होते हैं फॉर अदर पर्पजेज़ यानी टू सस्टेन योर सेल्फ यानि कि जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन हो गई या बोर्डिंग लॉजिंग है एकॉमडेशन है इन सब में वो आपका जो है वो आपकी सेविंग्स वहाँ यूज़ हो रही होती हैं तो फिर आपके पास इतना नहीं बचता कि आप जो है वो परसू करें अपनी एजुकेशन कैनेडा तो बहुत से लोग हैं जो कि ये चाहते हैं करना स्पेशली वेमे हु आर यू नो डन विद् पेरेंटिंग और अब वो चाहती हैं कि वो वापस से वर्क फोर्स में एंटर करें तो इन ऑर्डर टू एंटर द वर्क फोर्स दे वॉन्ट टू अपग्रेड दैम सेल्वस क्योंकि जो वो बैक होम एजुकेशन लेके आई हैं समटाइम्स इट्स नॉट रेलिवेंट सम यू वांट टू रियली अपग्रेड योर सेल्फ विद द ट्रेंड्स जो कि आज कल uh, चल रहे हैं या जो आज कल नई एडवासमेंट्स हो गई हैं इन टेक्नोलॉजी एंड इन एजुकेशन इट सेल्फ तो यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर सेल्फ राइट सो यू वॉन्ट टू गो फॉर अ डिग्री यू वॉन्ट टू गो फॉर अ प्रोग्राम इट कुड बी अ मास्टर्स इट कुड भी अ बैचलर्स इट कुड बी अ डिप्लोमा और ये सारे ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं कैनेडा में फॉर फर्दर एजुकेशन सवाल ये है कि आप इसको कैसे प्रोसीड uh, करें विदाउट हैविंग द फंड्स तो द गुड न्यूज इज दट यू हैव वॉट कॉल्ड द ओ सैप विच इज ऑनटेरियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम नाउ इफ़ यू नॉट इन ऑनटेरियो डोंट फील बैड अगर आप ऑनटेरियो में नहीं हैं तो भी हर प्रोविंस का इसी तरह का प्रोग्राम है आई एम नॉट अवेयर कि वो क्या कहलाता है लेकिन यू कैन लुक इट अप इन इट्स वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ वाट ओस एप इज़ विच इज स्पेसिफिकली फॉर ऑनटेरियो लेकिन ये वो प्रोग्राम है जहाँ गवर्नमेंट आपको एक तरह से लोन प्रोवाइड करती है और आपको असिस्टेंस देती है कि आप अपनी एजुकेशन जो है वो फर्दर कर सकते हैं या प्रोसीड कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम आप जो है वो उसमें उसमें इनरोल हो सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई यानी अपनी एजुकेशन और फर्दर स्टडीज जो है वो कैनेडा में कर सकते हैं तो अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि कौन लोग हैं जो कि ओसैप के लिए अपलाई कर सकते हैं तो आइए मैं आपको बताती हूं तो सबसे पहला है कि यू हैव टू बी अ रेजिडेंट पी आर होल्डर या कैनेडियन सिटीजन इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर ओस तो ओस जो है वो ऑन्टेरियो स्पेसिफ़िक है लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लेकिन ऑल अदर प्रोवेंसेज हैव सिमिलर प्रोग्राम्स तो अगर आप किसी और प्रोविंस में हैं आउटसाइड ऑफ ऑनटेरियो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ सिमिलर प्रोग्राम एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन आर प्री मच द सेम लेकिन पी आर होल्डर होना और या फिर सिटीजन होना जो है वो ज़रूरी है स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं वो ओस एप के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो ये वो लोग हैं जो कि पी आर होल्डर्स हैं वो ओस एप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ओसैप जो है वो आ, क्या है क्या बला है या हम इसको किस तरह से अप्लाई करें तो मैं आपको उसका जो है वो वेबसाइट का एड्रेस जो है वो यू कैन फाइंड इट इन द चैट पुट इट देयर कि जो वेबसाइट है जिसपे आप जाके अपना सबसे पहले तो यू क्रिएट अल लॉग इन दैट इज़ बेसिकली आप अपनी जो है वो ईमेल और अपनी आ, जो है वो आईडी अपनी आप वहाँ पे इस पोर्टल पे बनाते हैं जिसके बाद फिर आप अपने फर्दर इसमें चीज़ें ऐड करते जाते हैं अपने क्रीडेंशल्स अपने जो भी आपकी प्रायर एजुकेशन है डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा सो यू नीड टू हैव अ प्रोफाइल ऑन द ओ सैप का प्लेटफॉर्म तो वो वेबसाइट का एड्रेस मैं आपसे शेयर कर दूंगी इन द टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन चेक इट आउट तो लॉग इन और बाकी सारी डिटेल्स आप अपनी जो है ये इसमें डाल के अपना प्रोफाइल सबसे पहले तो बनाएं तो सबसे पहले तो जब जैसे आपने अपना लॉग इन और अपना प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर लिया अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और डिटेल्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है हाउस होल्ड इनकम तो आपने अपनी हाउस होल्ड इनकम यानी अपने स्पाउस की अगर फॉर एग्जाम्पल यूर नॉट वर्किंग तो आप अपने स्पाउस की इनकम डालते हैं अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूर योर स्टूडेंट एंड यू नो योर पी आर होल्डर तो आप अपने पेरेंट्स की जो कि आप जिनके साथ आए हैं आप उनकी जो है वो डिटेल्स डालते हैं और ओस एप जो है बाई द वे इट्स पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तो यू कैन ईजीली अप्लाई अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं आपने अभी अपनी हाई स्कूल कम्प्लीट कर लिया और आप ओस एप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी हाउस होल्ड इनकम जो है वो अपनी डालेंगे अपने पेरेंट्स की डिटेल्स तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसमें डालनी होती है प्रायर एकेडमिक हिस्ट्री वो सब आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने होते हैं और वो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं तो ये सब आपने उसमें डालना है थर्ड स्टेप ये है कि इसमें आपने एस्टिमेट करनी होती है अपनी इनकम फॉर द फॉलोइंग ईयर अब ये उनको क्यों चाहिए इससे वो जो ओस uh, की अथॉरिटीज़ हैं जो आपको ये फ़ाइनेंशियल एड देंगी वो ये से एनालाइज़ uh, कर रही होती हैं कि आपको कितनी फाइनेंशियल एड उनको देनी है फॉर यू टू कंप्लीट योर एजुकेशन तो आप जब अपना एस्टिमेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अबाउट योर इनकम कि जितनी आपको चाहिए होगी फॉर द नेक्स्ट ईयर उसमें आपको बहुत क्लियरली बताना होता है कि आपका क्या एजुकेशनल एक्सपेंस होगा यानी कि कितना ट्यूशन फ़ीस है जहाँ भी आप जिस प्रोग्राम में भी अपने आप को आपने इन किया हुआ है उसकी क्या एक्सपेंस uh, है और आपकी इनकम कितनी है यानी आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है सारे उसमें से ख़र्चे निकाल के जो डिस्पोजेबल आपके पास बच रही है क्या वो कवर कर सकती है इस एजुकेशन को या नहीं तो ये आपने बहुत क्लियरली उनको एक एस्टिमेट बताना होता है कि आपकी इनकम फॉर द फॉलोइंग ईयर क्या होगी और आपका एजुकेशनल एक्सपेंस क्या होगा आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन आपको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करनी होती है टू सब्सटैशियट योर एप्लीकेशन जिसमें के नोटिस ऑफ असेसमेंट होता है या आपके टैक्स रिटर्न होते हैं या आपकी फाइनेंशियल जो आपके बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब आपको प्रोवाइड करनी होती हैं ये वो आपसे मांग सकते हैं अगर आपने अटैच नहीं किए हैं और अगर आप अटैच कर देते हैं तो आप ज़्यादा यू कैन से आप अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं बिकॉज़ आप उनको सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर देम टू असेस कि आप एलिजिबल हैं या नहीं फिर टाइम पीरियड होता है रिव्यू एंड कंफर्म तो आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें कि आपने जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफ़िल की हैं और फिर आप सबमिट करते हैं तो फिर ये होता है कि आप उनको परमिशन भी दे रहे होते हैं और ये परमिशन आपने उनको देनी है प्लीज़ डू चेक दैट बॉक्स कि आप अलाउ कर रहे हैं उस ऐप को कि वो आपको फाइनेंशियली असेस कर सकें यानी आपके बैंक को कॉल कर सकें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स देख सकें सी को कॉल करके आपके टैक्स रिटर्न को वेरीफ़ाई कर सकें और ये आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉमेसन है लेकिन आप उनको ये अथॉरिटी uh, दे रहे हैं कि वो आपको असेस करें ताकि वो आपको फिर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकें फिर आता है प्रोसेस कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेट टाइम है द वेट टाइम कि कब आपकी जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी ओस एप के पास और कब आपको लोन मिलेगा तो अब दिस टाइम पीरियड इज़ डिपेंडेंट ऑन योर प्रोफाइल तो बाज़त ये डिपेंड करता है कभी जो है वो इट्स सुपर फास्ट यू कैन गेट इट विद इन अ फ्यू मंथ्स बाज़त इट टेक्स अ वाइल तो अगर आप किसी प्रोग्राम में फ़ॉर एग्जांपल इनरोल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जिस प्रोग्राम में इनरोल कर रहे हैं और आप ओसैप के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर दैट प्रोग्राम सो यू अप्लाई वेल इन एडवांस और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ओसैप अप्लाई करें आफ्टर इनरोलिंग योरसेल्फ इन अ प्रोग्राम तो वो आपको जो फाइनेंशियल एड मिलेगी उसमें वो आपको कवर कर देंगे फॉर द इंटायर इयर और टू इयर्स जो भी आपका प्रोग्राम है तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमबीए प्रोग्राम में अपने आपको इनरोल कर लिया और आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दे दी लेकिन अब आपको ख्याल आया कि आपको वो सैप चाहिए तो आप इट्स बेस्ट कि आप इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अभी आप इनरोल्ड हैं ज़्यादा लिजिटेसी है आपकी एप्लीकेशन की लेकिन वो जो एक सेमेस्टर की फीस आपने दे दी है वो से आप यूजली उसको कॉम्पेंसेट कर देगा जब आप, आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा या अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं या बैचलर्स में इट डजेंट मैटर सो दे विल कॉम्पेंसेट यू फॉर देट और अगर आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया है आपको एडमिशन मिल गया है आपने जो है वो स्टार्ट uh, करना है लेकिन आपके पास इमीडिएट जो फंडिंग uh, है वो नहीं है तो ओसैप जो है यूजुअली उसको कवर कर देगा लेकिन आपको अपनी टाइमिंग जो है वो देखनी होगी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं टू स्टार्ट जो एजुकेशन राइट अवे फॉर एग्जांपल फॉल में सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है लेकिन आपने ओस जो है वो अप्लाई किया है जून जुलाई में तो यू वेरी क्लोज टू द डेट तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो तो प्रोसेस में होगी लेकिन आपका जो एडमिशन है वो रिवोक हो जाएगा क्योंकि आप स्टार्ट नहीं कर सकेंगे इन फॉल फॉर एग्जांपल तो मेक श्योर sure कि जो आपकी प्रेप है यू प्रिपेयर योर सेल्फ इन अ वे कि आप अप्लाई करें विद अ बफर कि आपके पास फंडिंग अवेलेबल हो जब आप अपना प्रोग्राम बिगिन कर रहे हैं लेकिन आइडियली जो है वो आपको उस प्रोग्राम में होना चाहिए फॉर लेजिटमेसी ऑफ द एप्लीकेशन यानी अगर आपने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है तो ओसे आपको पता है कि आप फंडिंग जो है या आप अपने uh, एजुकेशन के लिए ही ले रहे हैं नॉट फॉर एनी थिंग एल्स अब हम आ जाते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ओसैप जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि यू नीड टू बी एन ऑनटेरियो रेजिडेंट तो एक तो ये कि आप परमानेंट रेजिडेंट हों दूसरा आप सिटीज़न भी हो सकते हैं लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी इज़ द बेर मिनिमम और तीसरी चीज़ ये कि आपको ओनटेरियो का रेजिडेंट होना चाहिए फॉर ओ फिर आपके पास फुल टाइम इनरोमेंट होनी चाहिए यानी आप जिस प्रोग्राम में आपने अपने आप को इन किया फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अप्लाई किया है या आपने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में किया है आप एक्चुअली ऑनटेरियो के रेजिडेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ uh, uh, जो है वो ऑनटेरियो uh, लेकिन आपको जो है वो उससे आपकी कवरेज मिलेगी तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उसमें अपनी फुल टाइम इनमेंट शो करनी है कि आपको एडमिशन ग्रांट हुआ हुआ है और ये जो यूनिवर्सिटी है ये रेकग्नाइज्ड है ये ऑनटेरियो के स्टैंडर्ड्स पे या ऑनटेरियो की आ, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट करती है तो ये चीज़ है फिर ये कि अगर आप इनरोल्ड हैं एक प्रोग्राम में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना मास्टर्स हाफ वे थ्रू कर लिया है लेकिन अब आपको प्रॉब्लम हो रही है टू कवर अप द फीस तो आप ओ सब के लिए इन द मिडिल भी अप्लाई कर सकते हैं तो उस वक्त आपको अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस शो करनी होती है आपको ये दिखाना होता है कि आपने एकेडमिकली जो है वो यू हैव हैड गुड यू नो ग्रेड्स गुड जीपीए, ताकि आप एलिजिबिलिटी जो है उस क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे हैं यानी कि आपको फाइनेंशियल एड फॉर श्योर मिलेगी बिकॉज यू हैव मेनटेन्ड कंसिस्टेंस कंसिस्टेंट प्रोग्रेस ओवर योर एकेडेमिक पीरियड फाइनेंशियल नीड बेस्ड ये आप कह सकते हैं ये लोन है एक तरह का आपको ये जो स्टूडेंट लोन है ओस एप तो ये नीड बेस्ड है इट्स नॉट बेस्ड ऑन मेरिट तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने जो है वो यू एक्सेल्ड लॉट इन योर करियर एज अ स्टूडेंट यू हैव अमेजिंग ग्रेड्स और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं इन द पास्ट और आप उसके बेसिस पर ये सोच रहे हैं कि आपको ये नीड बेस्ड ओ सैप फंडिंग uh, मिल जाएगी तो ऐसा नहीं है बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल आपकी हाउस होल्ड इनकम इतनी है कि आप ये प्रोग्राम ख़ुद से अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आपको ग्रांट नहीं करेंगे स्टूडेंट uh, uh, ये असिस्टेंस क्योंकि ये ओनली नीड बेस्ड है इट्स नॉट अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और एनी थिंग इट्स अ नीड बेस्ड प्रोग्राम कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन ये उनके लिए असिस्टेंस है अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि अगर मैं नया कैनेडा आया हूँ या आई हूँ और uh, यू नो आई एम ए न्यू कमर तो क्या मैं इलिजिबल हूँ अगर मेरे पास टैक्स रिटर्न नहीं है और uh, मैंने अभी अपने आप को यू नो आई हैव नॉट इनरोल्ड माई सेल्फ इन टू अ प्रोग्राम तो इसका जवाब ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिस योर पी आर बेसिस योर परमानेंट रेजिडेंसी आप कैनेडा आने के बाद उस एप के लिए अप्लाई कर सकते हैं राइट right अवे लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि आपको उस प्रोग्राम में इन होना जरूरी है यानी कि आपको मास्टर्स प्रोग्राम में या बैचलर्स प्रोग्राम में या आप जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं उस प्रोग्राम में आपको इन होना ज़रूरी है टू बी एलिजिबल फॉर द फंडिंग क्योंकि एक तो ये कि आपको लिजिटमेसी मिल जाती है आपकी एप्लीकेशन को कि आप ऑलरेडी इनल्ड हैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप ये फंडिंग जो है ये किसी और पर्पस के लिए नहीं ले रहे लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टैक्स रिटर्न्स नहीं है और अभी आपको लेस देन 12 मंथ्स हुए हैं इन कैनेडा इवन देन यू कैन अप्लाई फॉर ओस द ओनली थिंग इज दैट यू विल प्रोबली नीड ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ये प्रूफ देना होगा कि आप कैनेडा एज अ परमनेंट रेजिडेंट आए हैं एंड ऑबियसली दे डू द बैकग्राउंड चेक्स एंड एवरीथिंग प्रायर आपकी जो भी एकेडमिक हिस्ट्री एंड ऑल दैट और आपका इंटेंट टू परसू दिस डिग्री या जो भी प्रोग्राम जिसमें आप इनरोल्ड हैं तो दे माइट नीड मोर यू कैन से वेरिफिकेशन बट स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फोर ओ इवन इफ यूर अ न्यू कमर एंड यू हैव नॉट लिव्ड इन कैनेडा फॉर ओवर एक और सवाल जो कि आपके दिमाग में होगा और जो मैं क्लैरिटी देती चलूँ कि क्या ओसैप जो है वो सिर्फ एलिजिबल है फॉर यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड इन ऑनटेरियो तो ऐसा नहीं है यू जस्ट नीड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ ऑन्टेरियो टू बी एलिजिबल फॉर द ओ फंडिंग लेकिन यूनिवर्सिटी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस कैनेडा तो जैसे मैंने आपको यू की एग्जाम्पल दी थी या मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि बैक की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं क्वीन्स है आपकी अल्बर्टा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और दूसरे प्रोविसेज में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं यू डोंट हैव टू हैव द यूनिवर्सिटी इन ऑनटेरियो इट्स ओनली फॉर द रेजिडेंस कि आप एज अ पी आर होल्डर एज अ रेजिडेंट आप ऑनटेरियो के हों टू बी एलिजिबल फॉर ओस एप लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑल अक्रॉस कैनेडा अप्लाई कर सकते हैं तो ये कुछ चीजें थी ये कुछ आ, बातें थी जो कि मैंने ओस एप से रिलेटेड इस वीडियो में आपसे शेयर की हैं अगेन अगर आपको कोई और क्वेरी है सो प्लीज शेयर इन द चैट अगर आप किसी चीज से डिसग्री करते हैं सो प्लीज शेयर दर एज वेल और अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है नॉट रिलेटेड टू वो सैप इवन देन प्लीज़ शेयर एंड आई ट्राई एंड मेक इट यू नो अ टॉपिक ऑफ माई वीडियो दूसरी ये कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें टू दिस चैनल बिकॉज आई कीप शेयरिंग अ अल ऑफ कॉन्टेंट बहुत सारी ऐसी बातें टॉपिक्स डायलॉग जो कि एज एन इमिग्रेंट एज ए न्यू कमर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड डू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ यहाँ पे दो और लिंक्स मैंने शेयर किए हैं दो वीडियोज़ के जो कि मैंने एक स्कूल्स uh, इन कैनेडा के बारे में बात की है और एक मैंने सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ वट एरियाज यू नीड टू बी एबल टू लिव इन या डिसीशन मेकिंग अगर आपने करनी है इन वॉट एरियाज़ यू वॉन्ट टू लिव इन कैनेडा तो प्लीज़ चेक आउट दिस वीडियो ऑफ माइंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग